नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 सितंबर बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आज 1 सितंबर से खुलने जा रहे स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के सभी स्कूलों में 30% तक पाठ्यक्रम में कटौती का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग हर महीने छात्रों के मूल्यांकन के लिए टेस्ट भी लेगा, ताकि भविष्य में लॉकडाउन की स्थिति में उसी आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि लंबे समय से कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई थी। ऐसे में छात्रों और शिक्षकों पर दबाव न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने 30% कोर्स में कटौती का फैसला किया है। आदेश जल्द जारी कर दिए जाएंगे। इसके तहत अब स्कूलों में सिर्फ 70% कोर्स ही पढ़ाया जाएगा, ताकि समय पर 9वीं से 12वीं तक का कोर्स पूरा हो सके। राजस्थान में मानसून एक्टिव होने के बाद मंगलवार को जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में बारिश हुई। लंबे समय बाद जयपुर पर बादल मेहरबान हुए, इससे गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा धौलपुर जिले के बाड़ी में पानी गिरा है। यहां 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। 12 में बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 12 जिलों में आज 1 व 2 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर मौसम विभाग और जल संसाधन विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के 16 जिलों में बारिश हुई। 12 भरतपुर, धौलपुर, जालोर, झालावाड़, करौली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों में अच्छी बारिश हुई। एक बार फिर से रसोई का बजट बिगड़ सकता है। आज 1 सितंबर से घरेलू गैस के दामों में वृद्धि संभव है। ट्रेंड कर रहा गैस कंपनियों का प्राइस बढ़ी हुई दरों की तरफ इशारा कर रहा है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने भी प्राइस ट्रेंड की पुष्टि की है। आम आदमी पहले से ही बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर रसोई गैस के दामों में वृद्धि होती है तो रसोई का बजट बिगड़ जाएगा। जयपुर में आगरा के ठग ने बड़ा बिजनेसमैन बनकर एक जौहरी से 50 लाख रुपए ठग लिए। पहले उसने जौहरी से 6,43,000 रुपए के जेवरात खरीदे, विश्वास बनाने के लिए उसे पेमेंट भी कर दिया। बाद में उसने 50 लाख रुपए का डायमंड सेट मंगवा कर ले लिया। वह आगरा से भी कई ठगी की वारदातें कर चुका है। जौहरी कुणाल गंगवाल ने माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि जयपुर में हल्दियों का रास्ता जौहरी बाजार में उसकी फर्म है। बाहर से काफी लोग ज्वेलरी खरीदने आते हैं। 4 अगस्त को कुंदन नाम का युवक अपने साथ दीपेश बोहरा को लेकर आया। दीपेश ने खुद को आगरा का बड़ा व्यापारी बताया। तब उसने 6,43,000 रुपए के जेवरात खरीद लिए, उसका पेमेंट भी एक साथ कर दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की थी। हालांकि उसे कोर्ट से झटका ही लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल में ही आयुर्वेदिक इलाज देने की बात कही है। आसाराम ने 2 महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बीला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि पूरे मामले को देखते हुए ये सामान्य अपराध नहीं है, ऐसे में आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती है। आसाराम की ओर से उत्तराखंड के एक आयुर्वेद केंद्र में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने और आयुर्वेदिक इलाज के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। जैसलमेर जिले के रामदेवरा थाना क्षेत्र के सूजासर गांव स्थित देवी सिंह के ढाणी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोर करीब 25 लाख रुपए के गहने चुरा कर ले गए। परिवार के 9 लोग आंगन में सो रहे थे। घर की महिलाएं जब सुबह उठी तो घर के बाहर सामान बिखरा पड़ा था। चोरी किए हुए सभी गहने घर की बेटियों के थे, जो 30 पर पेहर आई थी। परिवार के लोगों का दावा है कि इन गहनों की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। सूजासर गांव में 13 किलोमीटर दूर देवी सिंह राजपूत की ढाणी है। खेत में ही मकान बना हुआ है। परिवार के सभी लोग घर के बाहर आंगन में सो रहे थे। अज्ञात चोर खेत की तारबंदी को काट कर आए और घर के पीछे बनी खिड़की तोड़कर कमरे में घुसे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के सराड़ा के सेमारी थाना क्षेत्र के गतौड़ा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि पीहर पक्ष ने अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बारां जिले के कैलवाड़ा थाना क्षेत्र के सेवनी ग्राम पंचायत के स्वरूपपुरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिजली गिरने से 4 युवक उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है।
जोधपुर जिले के फलौदी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 11 पर खारा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां रामदेवरा के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में पिकअप सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार महिला बच्चों सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, वहीं मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि श्रद्धालु मध्य प्रदेश से दर्शन के लिए जा रहे थे। चूरू जिला मुख्यालय पर स्थित केंद्रीय जिला कारागृह से कुछ बंदियों को बीकानेर स्थित कारागृह में शिफ्ट किया जा रहा है। चूरू जिला कारागृह में 163 बंदियों के रहने की क्षमता है, मगर अभी इसमें 327 बंदी थे। अभी तक 60 बंदियों को शिफ्ट कर दिया गया है। अब रविवार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला कारागृह के पुलिस उप अधीक्षक कैलाश सिंह ने बताया कि बंदियों में किसी प्रकार का कोई आपसी टकराव न हो, इसलिए गत 3 दिनों से प्रतिदिन 20 बंदियों को पुलिस जाब्ते के बीच बख्तरबंद गाड़ी में बैठाकर बीकानेर स्थित जिला कारागृह में भेजा जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि गंभीर अपराध में बंद एक भी आरोपी को शिफ्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा बीमार वे जिन बंदियों की न्यायालय में ट्रायल चल रही है उनको भी शिफ्ट नहीं किया गया है। जयपुर की साइबर पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग रमन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके अकाउंट से पुलिस को 18 लाख रुपयों का लेन देन मिला है। यह सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर रुपयों की ठगी करता है, लोगों को नौकरी लगवाने का झांसा देता है और फिर रुपये खाते में ट्रांसफर कर लेता है। यह झारखंड, भरतपुर, बिहार, दिल्ली में अब तक गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने बताया कि 3 अक्टूबर 2019 को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया कि मेरी ईमेल आईडी पर एक मेल आया था। मेल में लिखा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी में एचआर हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर चयन हो गया है। आपको अपने दस्तावेज एवं प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी चार्जेस जमा करवाने होंगे। इसके बाद नियुक्ति दी जाएगी। ठगों ने उससे अलग अलग कर 2,70,000 रुपये जमा करवा लिए। तब साइबर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।